बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में, देखने जा रहे हैं कि एक्सेल क्या है और कैसे काम करता है। तो एक्सेल जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसका ताल्लुक डेटा की एंट्री से है। डेटा को एंटर करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसको उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ठीक है, और उसका उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। डेटा की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है इसका मेनली ताल्लुक, ठीक है। जैसे एक्सेस हमने पहले किया है, तो एक्सेस का ताल्लुक जो है वो डेटा बेस बनाना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को इंटरलिंक करना है, डेटा को मैनेज करना है। इस तरह से इसका जो काम है वो क्या है कि डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी इसका वर्जन है एक्सेल का, तो उसमें जब होम पेज खुला हुआ होता है उसके ऊपर आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। तो टेम्पलेट्स को अगर आप ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि आप इससे किस किस तरह के काम ले सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ें बना सकते हैं इवन, लेकिन उन सब का ताल्लुक क्या होगा कि डेटा की प्रेजेंटेशन और उसकी प्रोसेसिंग से होगा। यू कैन सी कि इसमें आप कंपनी बजट बना सकते हैं, इसमें आप एकेडमिक कैलेंडर बना सकते हैं, ठीक है, इसमें आप पर्सनल मंथली बजट बना सकते हैं, और ये सब फाइलें जो है वो एडिटेबल हैं। आप इसमें से किसी भी फाइल को मैं आप बल्कि आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप जो है इसको एक्सप्लोर करें, इन सब टेम्पलेट्स को जो भी आपके रेलिवेंट हैं उनको खोलें, उनको एक्सप्लोर करें, उनको एडिट करने की कोशिश करें। तो यू कैन यूज़ देम, यू कैन एडिट देम फॉर योर ओन पर्पस। तो यू कैन सी हाउ मच वेराइटी इज़ देयर कि हम डेटा को लेके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, और उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और उसको जो है वो इंटरेक्टिव वे में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स वगैरह। अच्छा जी, तो अभी हम देखते हैं एक ब्लैंक शीट को। तो आपके पास ये लिखा हुआ ब्लैंक वर्कबुक, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है एक ग्रिड ओपन हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास ग्रिड ओपन हुआ है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसको हम वर्कशीट भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास बाय डिफॉल्ट शीट वन आ रही है। इस तरह की आपके पास कई सारी शीट्स जो हैं वो आप इसमें ओपन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं, ठीक है। सो जब आप इसको सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल के आज हम जो काम करें इसको हम नाम देते हैं कि हम अपना जो है वो ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट इसमें बनाते हैं, उसको मैं सेव एज करता हूँ। तो सेव एज करके अब ये देखिए कि यहाँ पे नाम आ रहा है वर्कबुक, तो पूरी जो फाइल इसकी बनती है उसको हम कहते हैं वर्कबुक। लेट्स से कि हम अपना जो है वो ग्रोसरी आइटम की ग्रोसरी की वर्कबुक बना रहे हैं, ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। सो पूरी फाइल जो है इसमें वर्कबुक कहलाएगी। ये ऊपर लिखा हुआ है ग्रोसरी डॉट एक्स एल एक्स एक्स एल एस एक्स, इसकी जो है बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। और अब इसमें इसका इंट्रोडक्शन फर्दर देते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या है, किस तरह से है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कॉलम्स, कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। बेसिकली कॉलम्स जो हैं वो उनके नाम ए बी सी से हैं, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे जी तक, तो उसके बाद जो है वो डबल ए डबल डबल ए बी ए सी एंड सोन, इस तरह से जब ये ख़त्म हो जाएगा ए वाली सीरीज, फिर बी से स्टार्ट हो जाएगा एंड सोन सोन। यू कैन इमेजिन के हाउ बिग डेटा वी कैन हैंडल इन इट, ठीक है, हम इसमें कितना जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह से जो रोज़ हैं वो भी इसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आगे बंद चली जाती है, ठीक है। तो अब ये जो रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, ये हमें एक सेल देता है, इसको हम कहते हैं एक सेल।
तो अब है। सेल का जो है ना, हर सेल का यूनिक जो है वो एड्रेस होता है एक इसमें, जो कि स्टार्ट होता है कॉलम नेम से, यानी कि कॉलम का लेटर पहले आता है और रो का नंबर जो है वो बाद में आता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो अभी सेलेक्ट हुआ हुआ है सेल, इसका जो एड्रेस है वो क्या है, वो B2 है, यानी कि कॉलम लेटर पहले रो नंबर बाद में, तो वी विल कॉल इट B2। तो B2 जो है वो इसका एड्रेस भी हम इसको कहते हैं और इसको हम रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास ऊपर बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर भी आप देखें तो इसका एड्रेस जो है वो शो हो रहा है B2। अगर आप किसी की रैंडमली किसी भी बॉक्स पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे इसका एड्रेस नजर आ जाएगा, J9 फॉर एग्जाम्पल इसका है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका जो कॉलम है वो शेडेड है और यहाँ पे रो जो है वो शेडेड है, तो यहाँ से भी हम इसको रियलाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेल, कौन सा रो और कॉलम सिलेक्टेड है, ठीक हो गया। जी अब ऐसा है कि हम इसमें कुछ डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं इसमें हम, डेटा को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग जो है वो सारी की सारी जो आपने वर्ड में देखी है वो सारी, मैक्स ऑफ वर्ड में वो सारी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप टेक्स्ट का फॉन्ट एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, साइज, उसका कलर, ठीक है, उसका जो है वो बोल्ड, इटैलिक, इस तरह से जो है वो उसकी पोजिशन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हैं, स्टाइलिंग से रिलेटेड हैं, ये आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली हैं। और इसमें जो नेक्स्ट इंसर्ट है, अब इंसर्ट में मोस्टली चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं ये सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर है ये चार्ट्स हैं, चार्ट्स जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा है तो डेटा को आपने प्रोसेस करके कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो शो करने हैं, तो उनको एक आप इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए यू चूज चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के। पेज लेआउट का जो इसमें मेन्यू है ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला ही है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो है डिफरेंट पेज की ऑर्गेनाइजेशन है कि ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज, सारे का सारा वही है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास मौजूद है। फॉर्मूलाज का जो है इसमें मेन्यू, ये हमारे पास इसमें एडिशनल है, दिस इज अगेन द कोर ऑफ एक्सेल। फॉर्मूला जो है वो बेसिकली टेक्स्ट को, इसमें जो आप डेटा एंटर करेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होंगे, हम इसमें अपना फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और बने बनाए इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास मौजूद हैं, तकरीबन हर फील्ड से रिलेटेड फार्मूलाज इसमें मौजूद हैं, उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं फाइनेंशियल फार्मूला, तो अगर आप कोई फाइनेंस कर रहा है तो फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे फार्मूलाज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फार्मूलाज यहाँ पे अवेलेबल हैं। लॉजिकल फार्मूलाज हैं, टैक्स से रिलेटेड फार्मूलाज हैं, ठीक है, और टाइम एंड डेट से रिलेटेड फार्मूलाज हैं, लुकअप एंड रेफरेंस के फार्मूलाज हैं, मैथ्स के बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, मैथ्स के, स्टैट्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल के फार्मूलाज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के फार्मूलाज अवेलेबल हैं, क्यूब के, इंफॉर्मेशन के, कैपेबिलिटी के, वेब के, इसमें अलगर्स के बहुत ज़्यादा फार्मूला मौजूद हैं। ये आपके पास फार्मूला बार है, यहाँ पर भी आप फार्मूला लिख सकते हैं, और कहीं पर भी आप फार्मूला लिखना हो तो आप इक्वल का बटन प्रेस करते हैं और आप यू जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। लाइक मैं अगर ए प्रेस करता हूँ तो ये मुझे ए से रिलेटेड सारे फार्मूलाज जो है वो दिखा देगा जो जो भी इसके पास मौजूद हैं, और हर फार्मूला जिसके ऊपर भी आप जो है सेलेक्ट करेंगे, लाइक डाउन एरो प्रेस करें तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ रहा है, तो हर फार्मूला जो है वो अपने आगे डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि व्हाट इट डज। खैर इन इनकी तरफ हम बाद में आएंगे, तो पहले कुछ हम सिंपल सा डेटा एंटर करते हैं ग्रोसरी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास आइटम नंबर है और आइटम नेम है, आइटम की यूनिट प्राइस है और आइटम की क्वांटिटी है, एंड देन हमारे पास टोटल प्राइस हम निकाल सकते हैं, लाइक दिस टोटल प्राइस ऑफ आइटम ठीक है, टोटल प्राइस हम यहाँ निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इनका नाम टोटल प्राइस रख लेते हैं। अब ये देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये इसके पीछे चला गया है, लाइक इस सेल के अंदर है लेकिन ये इसके पीछे छुपा हुआ है, इस सेल के पीछे, ठीक है, तो इसको हम कैसे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। सो अगर आप सर, ये देखें सी और डी के जो लाइन कॉलम्स के जो बीच में ये तरीका, तो ये है कि जो लाइन सेपरेट कर रही है उसको हम क्लिक करके ड्रैग करें और हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं,
दूसरा तरीका कार ये है कि आप जैसे इसके ऊपर आए और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। इस तरह से लेट से कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वैल्यू इन इट। ठीक है, सो लाइक दैट आई कैन ऑटो एडजस्ट एवरी सेल। अब हमारे पास इसमें कुछ डेटा एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 आइटम नेम है, फॉर एग्जाम्पल वी गेट ब्रेड फ्रॉम स्टोर एंड यूनिट यूनिट प्राइस एक ब्रेड की लेट्स से 200 है, क्वांटिटी वी गॉट वन ब्रेड ओनली एंड देन वी गेट सम मिल्क पैक और एक पैक की जो प्राइस है वो लेट्स से के 250 है और we get two packs and then we get some eggs egg ek egg ki price let's say 20 hai and we get around 24 who doesn't pack isi tarah se hum let's say we get honey एंड इसकी जो प्राइस है वो 500 है और वी गेट वन अमाउंट ओनली वन क्वांटिटी एंड लास्ट वी कैन गेट सम बटर एंड एज्यूमिंग के बटर की जो प्राइस है वो 350 है वी गेट टू बटर पीस और मे बी थ्री बटर पीसेस लाइक दैट। अच्छा, अब आप देखें कि हम जो है इसकी टोटल प्राइस अगर निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक यूनिट प्राइस एक ब्रेड की जो ब्रेड है पूरी उसकी प्राइस जो है वो कितनी है 200 है और अब हमें टोटल प्राइस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो क्वांटिटी को इसकी यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें अपना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखने के लिए हम हमेशा इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने सेल का रेफरेंस देना है, सेल का एड्रेस देना है कि किस सेल की वैल्यू को किस सेल से मल्टीप्लाई करना है। सो वी वांट कि इस सेल की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है तो इस सेल का एड्रेस जो है वो क्या है D4। जैसे आप D4 लिखेंगे ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई के लिए हम ये स्टैरिक का साइन यूज़ करते हैं और इसके बाद हम जो है वो लिखना है E4, तो E4 लिखेंगे तो E4 सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीकाकार ये है हमारे पास, अब एंटर करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो ये हमने क्या किया, हमने वी जस्ट रिटर्न आर ओन फार्मूला। अब देखेंगे ऊपर फार्मूला बार में भी ये डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप इसको जो है वो फार्मूला बार में क्लिक करते हैं तो साथ ही इसके कंस्टिट्यूएंट सेल्स जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक हो गया। ऑल्टरनेटिवली फार्मूला को देखने के लिए आप सेल्स को रेफरेंस, अगर आपके पास बहुत बड़ा टेबल है तो आपको रेफरेंस ढूंढने में मुश्किल भी हो सकती है, तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं कि इक्वल का साइन के प्रेस करने के बाद जिस सेल को सिलेक्ट करना है उसको जाके डायरेक्टली क्लिक कर दें, उससे भी उसका रेफरेंस खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देन स्टार प्रेस करें, देन अगेन जिस सेल को सिलेक्ट करना है उसको क्लिक कर दें, तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं बाकी सब के लिए भी। तो आप देखें कि ये मेरे पास कर्सर है और कर्सर की जेनेरिक जो फॉर्म है वो ये है, वो हमारे पास वाइट कलर का प्लस आइकन बना हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली जब ये आइकन अपीयर होगा तो इसकी मदद से हम किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेल को सिलेक्ट करना है क्लिक करना है तो भी आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखें कि जब कोई सेल सिलेक्ट हुआ हो उसके आप अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ तो इसको अगर इसके आप एजिस पे लेके आएंगे तो इसकी शेप जो है वो एरोस वाली बन जाती है, चारों सारे साइड पे एरोस हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के अगर मूव करेंगे तो नाउ यू कैन मूव द डेटा, एक्चुअली कहीं पे भी आप उसको मूव कर सकते हैं। इसके बरक्स जो है आप क्या करें कि इसको अगर कॉर्नर पे लेके आए तो ये बिल्कुल एक प्लेन प्लस आइकन बन जाता है, और अगर आप यहाँ से आप इसको पकड़ के इसको प्रेस करके बटन को, माउस के बटन को प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसका जो ये इस ऑपरेशन से ये मल्टीपल काम कर सकता है। बाय डिफॉल्ट जो ये काम करता है वो क्या है, वो कॉपी का है।
के वैल्यूज को कॉपी करता है। इसके अलावा ये मल्टीपल काम कर सकता है कि फील्ड सीरीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फील्ड सीरीज पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी इसने 45 से ऑनवर्ड 46, 47, 48 एंड सो ऑन इसमें फिल इन कर दिए हैं। इसके बरक्स इसके अलावा जो है हम इसमें क्या है कि फॉर्मेटिंग का काम भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और मैं इस डेटा को बोल्ड कर देता हूँ, तो ये सारे सारे ऑप्शन जो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इसको बोल्ड कर देता हूँ इस ऑप्शन को, उसका मैं साइज जो है वो बड़ा कर देता हूँ और इसको जो है इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है 23 एंड लाइक 56। अब मैं अगर इसको पकड़ के इनके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाएगी, बट आई डोंट वांट टू कॉपी पेस्ट द वैल्यू। मैं जस्ट चाहता हूँ कि सिर्फ इनकी जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी पहली वैल्यू के ऊपर वो बाकियों के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ड्रैग करने के बाद फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो अब क्या होगा कि जो पहले की स्टाइलिंग थी, फॉर्मेटिंग मतलब जो स्टाइलिंग है, जो पहले की स्टाइलिंग थी वो बाकियों के ऊपर भी वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको ये करता हूँ कि मैं ड्रैग करने के बाद इसको बोलता हूँ कि फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो फिर कॉपी पेस्ट हो जाएंगी वैल्यूज लेकिन विदाउट फॉर्मेटिंग। तो ये इस तरह के डिफरेंट इसके पास ऑप्शंस हैं जो कि ड्रैग करने से हमारे पास आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जब हम इसको साइड से करके ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा कि यही फॉर्मूला जो है वो सबके ऊपर अप्लाई कर देगा। यू कैन सी वेरी इजीली विदाउट डूइंग एनी फर्दर एफर्ट हमने तमाम वैल्यूज का जो है वो प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा एग्जामिन करें तो यू विल सी कि भाई यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हमने इन दो सेल्स को लिया था, लेकिन जब हमने इसको देखेंगे इस सेल को तो इसने स्मार्टली जैसे ही हम यहाँ से नीचे गए तो इसने इसके जो रेफरेंस थे उनमें भी 1-1 ऐड कर दिया। यानी कि पहले हमने D4 और E4 लिया था तो उसने D5 और E5 ऑटोमेटिकली कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसने ऑटोमेटिकली D6 और E6 कर दिया। जब हम यहाँ से नीचे आए हैं तो यहाँ पर भी उसने जो कंस्टिट्यूएंट सेल के रेफरेंस है उनको भी इसने अपने से इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये जो हम एड्रेस दे रहे होते हैं E7 D7 इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग से क्या होता है कि जब हम नीचे मूव करते हैं तो फॉर्मूला के अंदर जो एड्रेस यूज हुए हुए होते हैं वो भी उसमें भी 1-1 इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आप जो है अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ मजीद एडिशन की जाए, कुछ मजीद मॉडिफिकेशन की जाए। हम ही चाहते हैं कि लेट्स से सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसका टोटल सम निकालते हैं, यानी कि नेट टोटल कितना बना, तमाम जो हमारा बिल है वो हमारा कितना बना। ठीक है, और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इन तमाम वैल्यूज का जो सम है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और एक तो अप्रोच हमारे पास ये है कि हम इसको पकड़ें फिर हम प्लस का बटन प्रेस करें फिर इसको पकड़ें प्लस का बटन प्रेस करें एंड सो ऑन, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सम का फॉर्मूला लेके आएंगे, हम देखेंगे कि क्या हमारे पास सम का फॉर्मूला है। जैसे ही हम SUM लिखेंगे वही विल नो कि हमारे पास सम का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या कह रहा है कि एड द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। तो इसको टैब अगर आप प्रेस करें, टैब का बटन आपके लेफ्ट साइड पे होता है, तो टैब का बटन अगर प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला और अपना फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये अब आपको नीचे बता रहा है कि आई कैन टेक मल्टीपल नंबर्स, इधर यू कैन गिव मी नंबर्स बाय कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट और आप रेंज के फॉर्मेट में दे सकते हैं। अब इसमें भी हम ये भी कर सकते हैं लाइक दिस, फिर कॉमा लगाएं, फिर अगला नंबर, फिर कॉमा लगाएं, फिर अगला नंबर, हम ये भी काम कर सकते हैं। जबकि अगर हम जो है वो इसमें रेंज भी दे सकते हैं, अब रेंज देने के लिए हमारे पास कोलन होता है, कोलन लगा के आप लास्ट सेल का रेफरेंस में लिखते हैं, लाइक हमारे पास है F8, तो F8 जो है वो हमारे पास यू कैन सी कि उसने खुद ही सारा सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा रेंज सेलेक्ट करने का एक और तरीका भी है और वो है कि लेट्स से हमें पता है कि हमने यहाँ से यहाँ वैल्यूज को सम लेना है, आप उसको सिंपल ड्रैग करेंगे तो भी आपके पास रेंज आ जाएगी। अब जस्ट आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सारे का सारा जो है वो सम कैलकुलेट होके आ गया है।
अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें कुछ मजीद एडिशन की जाए इस टेबल के अंदर। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि वी आर गिविंग सम डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम एंड दैट डिस्काउंट इज 5%। 5% डिस्काउंट ऑन एवरी आइटम। तो अब क्या है कि अब ये 5% डिस्काउंट किस पर है? ये 5% डिस्काउंट है, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ और इसको एडिट करता हूँ, डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। अब ये ईच आइटम का मतलब क्या है? ईच आइटम का मतलब है, ईच आइटम का मतलब क्या है कि एक सिंगल आइटम के ऊपर हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हम इसको 5% डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो कि डिस्काउंटेड अमाउंट जो है वो कितनी है। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। कहीं पर भी आपने कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करनी है, तो आप उसके रेलेवेंट कॉलम को सेलेक्ट करें यहाँ से जाके, ठीक है, और राइट क्लिक करें और इंसर्ट का बटन प्रेस कर दें, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इस पर हम लिखते हैं, लेट्स से डिस्काउंटेड प्राइस। ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। अब डिस्काउंटेड प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% को किसके साथ, लेट से हम आसानी के लिए क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 100 रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अब 100 का अगर 5% लें तो आता है 5, ठीक है। 5 इज द डिस्काउंट अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलेगी तो टोटल प्राइस, एक यूनिट प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 5 हम निकालेंगे, 5 निकलेगी अमाउंट, उसको हमने इस यूनिट प्राइस में से माइनस करना है, ठीक है। तो हम इक्वल लगाते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि वी नीड टोटल यूनिट प्राइस माइनस माइनस व्हाट कैलकुलेट। हम इसको कहते हैं कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करो 5% ऑफ दिस अमाउंट। तो d4 मल्टीप्लाई बाय आप इस सेल को जाके क्लिक कर देंगे G12। तो d4 में पड़ा हुआ है 100, उसे मल्टीप्लाई होगा 5%। जब 100 से 5% मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और 5 फिर फाइनली इस D4 में से माइनस होगा, यानी कि 100 में से माइनस होगा, तो हमारे पास 95 आ जाएगा, विच इज डिस्काउंटेड प्राइस। सो हम एंटर करेंगे, वी विल सी वी हैव 95 हियर। तो अगर 5% डिस्काउंट हो किसी 100 रुपीज़ की चीज़ के ऊपर, तो उसका हमें जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 95 ही होगी, ठीक है। अब इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो बाकी सबके ऊपर भी अप्लाई कर दिया जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंपली हम इसको इस पर ड्रैग कर देते हैं, इसे जैसे पकड़ कर कॉर्नर से। लेकिन जब आप ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। आप देखते हैं क्या इस पर फॉर्मूला लगा है। अगर आप इस पर देखें, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस पर देखें, इस पर भी वही फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में फ़र्क क्या है? सेम, इस पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है, इस पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है। ये जो बात हमने पहले की थी कि जो फॉर्मूला लगाया था हमने, तो इसमें हमने रिलेटिव एड्रेसिंग दी थी। जब फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला अपने साथ जो है जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके भी एड्रेस को एक ऐड कर लेता है। तो अगर आप देखें इस नीचे वाले को देखें, तो इसमें ये किसको ले रहा है? इसमें ले रहा है D5 और G13 को ले रहा है। तो D5 तो हमारे पास लाइक अगर हम उसको यूं देखें तो ये D5 तो ओके है, लेकिन यहाँ से ये इसने इसके एड्रेस को भी एक इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ से भी एक स्टेप नीचे चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था, इसको ये इसी इसी वैल्यू को उठाना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसने D6 तो उठाया है, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ से इसने G14 को
को उठाया, यानी कि इस जी में भी एक वैल्यू मजीद ऐड कर दी है। तो ये काम नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसी एक वैल्यू को हर फॉर्मूला में उठाए, इसके साथ इसका एड्रेस जो है वो ऐड ना करे, इसका एड्रेस जो है वो इंक्रीमेंट ना करे। सर सिर्फ हम लोग ब्रैकेट से बाहर रख लेंगे। सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, हम इसका रेफरेंस इस स्टाइल में देंगे कि ये फिक्स हो जाए, इसका जो रेफरेंस है वो इंक्रीमेंट ना हो। तो आप देखिए कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला को जाके हम एडिट करेंगे और इसमें हम इसको बोलेंगे कि भाई हम अब देखो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो 12 नंबर रो है इससे नीचे 13 नंबर या 14 नंबर रो ना आए, यानी कि रो नंबर जो है वो इंक्रीमेंट ना हो। तो रो नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12, G12, तो 12 इज योर रो नंबर। तो रो नंबर को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि इससे पहले डॉलर साइन लगा देंगे। जब हम एंटर करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन अब उसने क्या किया कि वो उसकी लोकेशन को फिक्स कर दिया। अब जब इसी फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे बाकियों के ऊपर तो यू विल सी कि आंसर अब हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसका 5% ये बनते हैं, 25% ये बनता है, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, अगर अब अगर आप किसी भी फॉर्मूला को एग्जामिन करें, डबल क्लिक करके एग्जामिन करें, तो आप देखेंगे इसमें भी इसने उसी सेल को उठाया है। ठीक है, इसमें भी इसने उसी सेल को उठाया है, लास्ट में इसने उसी सेल को उठाया। तो हमने क्या कर दिया, डॉलर साइन लगा के रो नंबर फिक्स कर दिया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं समहाउ आप हॉरिजॉन्टली वैल्यूज को ऐड अप कर देंगे यहाँ पर किसी एक वैल्यू के साथ। ठीक है, लेट्स से आप चाहते हैं कि इन सब वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसमें भी ये वैल्यू ऐड हो, इसमें भी ये वैल्यू ऐड हो, इसमें भी ये वैल्यू ऐड हो, इसमें भी ये वैल्यू ऐड हो। इन दैट केस आप क्या करेंगे कि आप यू नीड टू फिक्स इट्स लेटर नंबर। तो फिर आप क्या करेंगे कि इसके लेटर नंबर से पहले जो है वो डॉलर साइन लगा देंगे, तो इट वॉन्ट मूव ऑन। ठीक है, हम यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये काम करेंगे तो फिर हमारे केस में इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट स्टिल अब ये सेम रिजल्ट ही आएगा। सो अब इन दिस केस हमारे सेल का जो है वो कॉलम भी फिक्स हो गए हैं और रो भी फिक्स हो गई है, वो आगे नहीं जा सकता उसका रेफरेंस। ठीक है, ना रो वाइज ना कॉलम वाइज। ठीक हो गया, अब इसका इसकी एक और ऑल्टरनेटिव और आसान अप्रोच भी है, और वो क्या है, वो ये है कि हम किसी भी सेल को नाम दे सकते हैं। वी कैन नेम एनी सेल इन द स्प्रेडशीट। कैसे दे सकते हैं, किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और उसका जो कॉर्नर पे आपको रेफरेंस नजर आ रहा है, अगर आप उसके ऊपर माउस लेके आए तो ये आपको बताता है कि आई एम अ नेम बॉक्स, यू कैन गिव द नेम टू दिस सेल, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस सेल। फॉर एग्जाम्पल हम इस नाम को यहाँ से इसका रेफरेंस खत्म करते हैं और इसको नाम दे देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, इसको डिस्काउंट नाम दे के इसको हम एंटर करते हैं। अब आप देखिए कि इस सेल का रेफरेंस आ रहा है, लेकिन जब मैं इस सेल के ऊपर जाऊंगा तो इस सेल का नाम आ रहा है। तो वी हैव गिवन अ नेम टू दिस सेल, सो नाउ वी कैन यूटिलाइज दिस नेम इन द फॉर्मूला लाइक दिस। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डी फोर को मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट के साथ। जैसे मैं लिखूंगा डिस्काउंट DIS, यू कैन सी जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे F से नजर आ रहे हैं और जो वेरिएबल है हमारा, हमने नाम दिया था, वो हमें इस तरह से नजर आ रहा है, इस शीट की तरह आइकन है इसका। उसको डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन सी जैसे हमने इसको लिखा, इसने ऑटोमेटिकली उसी सेल को हाईलाइट कर दिया। उसको जब हम एंटर करेंगे यू कैन सी कि स्टिल वी हैव द सेम रिजल्ट। और अगर हम इसको बाकी के ऊपर ड्रैग करके देखेंगे यू कैन सी स्टिल वी हैव करेक्ट रिजल्ट्स फॉर एवरी सेल। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी सेल को नाम दे दें तो वो बाय तो बैक एंड पे वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग ही यूज कर रहा होता है। ठीक है, सो नाम दे के भी हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है जी, सो अब हम क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होगी, लाइक अगर हम इसको देखें टोटल प्राइस को, तो टोटल प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है यूनिट प्राइस और क्वान्टिटी के साथ, जबकि हम चाहते हैं कि अब वो डिस्काउंटेड प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें। सो वी नीड टू मॉडिफाई दिस विद F4 की जगह पे हम लिखेंगे E4, सॉरी वी वांट टू मल्टीप्लाई दिस सेल विद दिस वन। डिस्काउंटेड प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे
एंटर करेंगे तो अब हमारे पास टोटल प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड आ जाएगी। इस सबको ड्रैग करेंगे, इनकी प्राइस भी अपडेट होगी और आप देखें कि ऑटोमेटिकली जो है वो नेट बिल भी अपडेट हो गया क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ था इनको ऐड करने का। ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन एंटर द डेटा एंड वी कैन प्रोसेस इट बाय अप्लाइंग डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑन इट। अब हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट से इसका करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ कि इसको ये हमारे पास क्योंकि हेडर है उसको बोल्ड होना चाहिए, सो वी कैन मेक इट बोल्ड। अच्छा, अब आप देखें कि इसको अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में लेके जाएं, वही कंट्रोल पी प्रेस करें तो आपके पास का प्रिंट प्रीव्यू आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है वो एक बिल्कुल ब्लैंक, यानी कि देर इज नो लाइन ओवर एनी टेबल, कोई टेबल नहीं बना हुआ। तो इसको टेबल बनाने के लिए हम इसको जो है यानी कि इसके अराउंड बाउंड्री जो है वो हमें खुद से लगानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल कि मैं इसको बाउंड्री लगाता हूँ, कैसे लगा सकते हैं? एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, यू कैन सी यहाँ पर आप हर तरह का बॉर्डर लगा सकते हैं। बट ऑल्टरनेटिवली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप राइट क्लिक करें और आप यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाएँ। जब आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मेट सेल्स में मौजूद तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें और सबको जो है वो बारी बारी अप्लाई करके देखें कि इससे क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी कॉलम में डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस कॉलम के अंदर नंबर आएगा और वो किस स्टाइल में आएगा, उसकी डेसिमल प्लेसेस क्या होंगी। आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कॉलम में करेंसी आएगी तो उसके साथ जो है वो सिंबल क्या आएगा। तो ये आप जब ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कॉलम में ये सिंबल अपीयर होते चले जाएंगे। आप डिफाइन कर सकते हैं किसी की डेटा टाइप जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा आएगा, डेट से रिलेटेड आएगा, डेट का फॉर्मेट क्या होगा, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल प्लेस, साइंटिफिक नोटेशन, टेक्स्ट। यू कैन मेक योर ओन कस्टम स्टाइल और या और फॉर्मेट कि जिसमें जिस मुताबिक आप डेटा एंटर करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। अलाइनमेंट आ जाती है, टेक्स्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं। रैप टेक्स्ट जो है वो क्या करता है कि अगर आपका टेक्स्ट जैसे अभी बड़ा हो गया था टेक्स्ट तो हमने इसको ऑटो एडजस्ट करवाया, तो अब इससे अगर हम फिक्स कर देंगे, इससे हम रैप टेक्स्ट किया होगा तो अगर हमारा कॉलम साइज जो है वो फिक्स होगा तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, रो वाइज नीचे एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो हियर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, टेक्स्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड है, यहाँ फॉन्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ में हमारे पास बॉर्डर की ऑप्शन आती है। तो वी कैन अप्लाई द बॉर्डर, फॉर एग्जाम्पल कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटसाइड बॉर्डर है वो बोल्ड हो और इनसाइड बॉर्डर जो है वो थिन हो। तो लाइक दिस वी कैन इनसाइड बॉर्डर, हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी थिकनेस को, स्टाइल को। सो ओके करेंगे, सो वी हैव बॉर्डर नाउ। सो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे टू सी द प्रिंट प्रीव्यू। सो वी कैन सी नाउ वी हैव आइटम्स इनसाइड दिस ग्रिड लाइंस। और अब मैं देखें ये चाहता हूँ कि लाइक ये हमारे पास एक अलग सेल है, ये हमारे पास एक अलग सेल है, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जो है इन दोनों सेल्स को मैं मर्ज कर दूं। तो वी कैन मर्ज द सेल्स, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर की। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे तो अब ये दो सेल जो है वो एक सेल बन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि लाइक ये सब सेल्स को मैं एक ही सेल बना दूं, तो आई कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, सो लाइक अभी सेल तमाम सेल जो है वो एक ही सेल बन चुके हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इन सबको भी एक सेल बना दिया जाए जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन, फाइन वी कैन डू दैट। इन सेल्स को मैं एक बना दीजिए, इन तीन सेल्स को या इन चार सेल्स को एक बना दिया जाए, तो वी कैन डू दैट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, चूंकि ये फाइनल अमाउंट है, इसको बोल्ड कर दिया जाए, तो वी कैन बोल्ड दीज आइटम्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इनका जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन कर दिया जाए, सो वी कैन चेंज द फॉन्ट। यहाँ पर जाके साइज बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट का लाइक दिस, इस के ऊपर क्लिक करके। अब जैसे हम साइज बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा एक दूसरे के अंदर जो है वो कंजेस्टेड हो गया है। तो अब हम ये भी काम कर सकते हैं कि लाइक हम यहाँ पे क्लिक करके सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अब जब आप इनकी बाउंड्री पे सिंपल क्लिक करके प्रेस किए रखेंगे तो यू विल सी कि ये अपना साइज बताता है कि मैं अभी कितना कितना जो है पिक्सल्स का एक कॉलम हूँ। अगर आप इनमें से किसी एक को स्लाइटली मूव करते हैं तो इससे आप देखिएगा कि जितना आप पिक्सल इंप्रूव करते हैं, लाइक मैंने 60 से 80 पिक्सल कर दिया लेट्स से, तो तमाम के तमाम जो कॉलम हैं वो सभी 80 पिक्सल के हो जाएंगे लाइक दिस। तो आई कैन डू दिस एज वेल।
इसी तरह से मैं रोज के साथ भी कर सकता हूँ, थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ तो इस थोड़ा सा जो साइज बढ़ाया है ये हर एक रो का इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई कैन ऑटो एडजस्ट सिंगल सेल्स, सिंगल कॉलम्स, सो लाइक दैट। सो नाउ इट्स मच मोर विजिबल एंड ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसको कहीं पे भी मूव भी कर सकता हूँ पूरे टेबल को पकड़ के, लाइक मैं इसको आप बाउंड्री पे क्लिक करें तो यू कैन मूव द टेबल अराउंड एनीवेयर। सो ये हमारे पास था एक बेसिक एक्सेल का इंट्रोडक्शन कि इसमें हम किस तरह से जो है वो डेटा को एंटर कर सकते हैं, उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, अपना फार्मूला बना सकते हैं, जो बिल्ट इन फार्मूला है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरह से हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं नंबर्स की। फॉर एग्जांपल ये यूनिट प्राइस है, मैं इसके ऊपर मजीद कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें राइट क्लिक करता हूँ और मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और मैं इसको बताता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं दीज आर एक्चुअली करेंसी वैल्यूज़, और जो करेंसीज हैं ये हमारे पास हैं पी के आर में। तो यू कैन सी ये हमारे पास पी के आर का यूनिट आ रहा है, और डेसिमल प्लेसेस यू कैन एडजस्ट, लाइक ये आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, इस तरह से वैल्यूज नजर आएंगी, सो लाइक दिस, ठीक है। आप वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट अलाइन शो हों, लाइक दिस, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं चाहता हूँ सेंटर लाइन में शो हों, और लेट्स से कि इनको मैं चाहता हूँ सब जो हैं वो इस साइड पर शो हों, तो आई कैन डू लाइक, ठीक है। सो दिस सिमिलरली अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर एक टैक्स की आइटम भी डाल सकते हैं, और टैक्स हम समझ लें कि हमने कह दिया कि लाइक 2% टैक्स है ऑन टोटल अमाउंट, 2% टैक्स ऑन टोटल टोटल नंबर या टोटल अमाउंट कर लेते हैं, टोटल अमाउंट। तो लेट्स से कि ये इसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है टोटल प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर आप कैलकुलेट करके इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ट्राई टू डू दिस बाय योर ओन, ठीक है। एंड वी विल सी दिस इन नेक्स्ट सेशन एज वेल। सो आज के लिए इतना ही।